पहली बात तो यह है कि आप खुद को बांध ही क्यों रहे हैं और फिर खुद को उससे बाहर निकालने में समय भी लगा रहे हैं फायदा क्या है खुद को इस तरह से बांधने का और फिर वापस उसी को खोलने का वैसे एक इंसान के रूप में क्योंकि भौतिक शरीर की खास सीमाएं होती हैं वो कुछ चीजें कर सकता है कुछ चीजें नहीं कर सकता हो सकता है कि कभी कभी आपको आराम की भी जरूरत पड़े लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि रुकना है यह अगली गतिविधि के लिए देखरेख का एक हिस्सा है ठीक है तो ये तनाव को कम करने का धंधा बहुत लोकप्रिय हो चुका है हर कोई शांत होने की चीजों से दूरी बनाने की और जो कुछ भी है इन सब की बातें कर रहा है पहली बात तो ये कि आप में इतना जहर है क्यों और अब आप उस जहर को निकालना चाहते हैं आप गलत चीजें खा रहे हैं आप गलत सोच रहे हैं आपकी भावनाएं गलत हैं और आप जहर से भर जाते हैं और अब आप उस जहर को बाहर निकालना चाहते हैं आप खुद ही अपने ऊपर बेड़ियां लगाते हैं और फिर उन्हें खोलना चाहते हैं खुद को बांधना एक अपराध है और फिर खोलना अब इसे खोलने में जो समय और ऊर्जा लगती है और आप इसे खोलते कैसे हैं मुझे पता है लोग बंधन तोड़ने के लिए कौन कौन सी तरकीबें अपना रहे हैं नहीं आपको खुद को बांधने या खोलने की जरूरत नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है अगर आपका उद्देश्य आपके सीने में धड़क रहा है तो कोई भी गतिविधि आपको बोझल नहीं लगेगी गतिविधि कभी कष्टदायक लगेगी ही नहीं अब आपको काम करने में मजा आएगा क्योंकि अब ये बोझ नहीं है अब हमेशा आप मौकों की तलाश में रहेंगे अब आप आराम करने के लिए मौका नहीं तलाशेंगे अब हमेशा चलते रहने के लिए आप अवसर ढूंढेंगे और जब चलते रहने का उपयोग करता हूं तो समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं इसका मतलब है कि आप चल रहे हैं आप रुके हुए हैं आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है नहीं नहीं हम नहीं चाहते कि अभी हो तो जीवन चलते रहने का ही नाम है एक समय आएगा जब आपको जाना पड़ेगा उसके बाद आप फिर से नहीं चल सकते बस हो गया इसलिए जब ये चल रहा है तो रुकने और चलने के बारे में मत सोचिए बस चलिए चलिए और चलिए क्योंकि जीवन का उद्देश्य बस चलना ही है मैं आपको याद दिलाता हूं आप सब आप में से कई सोच रहे होंगे कि हमें कितना काम करना चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए देखिए ये सवाल तब पैदा होते हैं जब आपके पास पूरा करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता कोई ऐसा उद्देश्य जो आपसे भी बड़ा हो अगर आपके दिल में ये नहीं है तब हमेशा ये गणित चलती रहेगी कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए कन्नड़ में एक कहावत है जब भी कोई मरता है तो चार लोगों को उसे उठाकर चलना पड़ता है उनमें से तीन लोग सच में भार उठा रहे होंगे लेकिन एक व्यक्ति बस भार उठाने का दिखावा कर रहा होगा ठीक है वो असल में कंधा दे ही नहीं रहा है और वो सोचता है कि वो स्मार्ट है नहीं वो स्मार्ट नहीं है वो मूर्ख है वो जीवन के सारे अनुभव से चूकता जा रहा है इसलिए यहां चलने और रुकने जैसी कोई चीज नहीं है आप बस चल रहे हैं जब आप थक जाएंगे तो वैसे भी बैठ जाएंगे और जैसे ही ऊर्जा आ जाती है तो आप फिर से चल पड़ेंगे ठीक है तो बंधन खोलने की इन सभी योजनाओं के लिए योजना मत बनाइए जब आप थक जाते हैं आह आप गिर जाते हैं और जाग फिर वापिस आ जाते हैं जीवन इस तरह से होना चाहिए